गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 6th. इट इज़ अ फर्स्ट वीडियो. फर्स्ट सम इज फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. सम फाइंड करना है, करना सिंपली ऐड ही है, लेकिन कैसे करना है, रीअरेंजमेंट से करना है. 837 प्लस 208 प्लस 363. अब इसमें क्या करना है, ऐड. पहले देख लो किस किस का 10 बनता है, किसको ऐड करें. 7 और 8 को ऐड किया 15 बनता है, 10 नहीं बनता. 7 और 3 को ऐड किया 10 बनता है ना, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 208 को अलग रख लेंगे. अब 837 को ऐड करो 363 में. 7 3 10 1 कैरी, 3 6 9 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 8 11 11 और 1 12. कितना आ गया, 1200 प्लस 208. अब 1200 में क्या ऐड कर देंगे, 208. 8 और 0 8, 0 0 0 2 2 4 साथ में 1, दैट इज आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट इज 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. इसमें भी क्या करना है, रीअरेंजमेंट. अब देखो 2 और लास्ट में 8, 8 और 2 कितना होता है 10, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं. 3 और 7 कितना होता है 10, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं. अब इन्हें ऐड करना है. 1962 में ऐड किया 1538, करो 8 2 10 1 कैरी, 3 6 9 9 और 1 10, 9 1 10 10 1 15 1 कैरी, 2 1 1 2 2 और 1 3 3500. और 4 53 में ऐड किया 647, 7 3 10 5 4 9 9 और 1 10, 6 4 10 10 और 1 11, 1100. अब दोनों को ऐड करते हैं, 0 0 0 0 0 0 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4600. नेक्स्ट सेकेंड सम, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. अब इसमें ऐड किया था, इसमें क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है रीअरेंजमेंट से. वैसे 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50, पहले क्या करेंगे, 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1768 को अलग रखेंगे. 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 वैसे ही आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10. अब 100 को मल्टीप्लाई किया 1768 से, तो देखो 1768 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1768 ही आएगा. साथ में 2 जीरो है, तो 2 जीरो क्या आ जाएंगी, पीछे आ जाएंगी, दैट इज़ आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट इज़ 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25. वैसे ही पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 के साथ, मल्टीप्लाई 166, 166 को बाहर रख लेंगे, इन्हें ब्रैकेट में रख लेंगे. 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75, 25 फोर ज़ा 100. 100 को मल्टीप्लाई करना है 166 से, 100 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 166 आ गया. साथ में 20 है, तो 20 वैसे ही आ गई. जब भी 161 को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर वैसे ही आ जाता है. अब जितनी जीरो पीछे होती है उसके वही पीछे लगा देते हैं आंसर में, सो दैट इज़ आंसर. जिसके सी डी ई एफ पार्ट है वो आपको अपने आप ट्राई करनी है.